गाइस, दिस इज सोनम सिंह एंड यू आर वाचिंग श्यामा एस्ट्रोलॉजी। और हम आज बात करेंगे सितंबर 2019 का राशिफल, कैसा जाने वाला है सितंबर का महीना आपकी राशि के लिए। और हाँ, सितंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सितंबर के महीने में शनि जो है इतने टाइम से वक्री थे, वो अब मार्गी होने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए अब राहत का टाइम है। पर जानेंगे डिटेल स्पेसिफिक आपकी राशि के लिए कैसा जाने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के ग्रह कुछ इस हिसाब से है। उनके सेकंड हाउस में राहु है, मिथुन राशि में, आर्द्र नक्षत्र में, एर्थ हाउस में शनि और केतु। वृषभ राशि वाले लोग ढैया से थोड़े बहुत परेशान है। सेवेंथ हाउस में गुरु है, जो अगस्त के टाइम में वक्री से मार्गी हुए थे। उनके फोर्थ हाउस में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध है। और हाँ, 10 सितंबर के बाद शुक्र और बुध जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे एंड 25 सितंबर के बाद जो है मंगल जो है वो भी आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। तो जानते हैं वृषभ राशि के लिए सितंबर का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि के सेकेंड हाउस में जो है वो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अभी उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो फैमिली पे है। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को पूरा प्यार दें, पूरा सपोर्ट दें। और हाँ, ये भी चाहते हैं कि उनकी सेविंग्स जो है वो अच्छी खासी बनी रहे, बट उनके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। तो आप थोड़े खर्चे को थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो आपकी सेविंग जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। और हाँ, उनके एट्थ हाउस में शनि और केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जो लोग भी थोड़ी सी एज में है तो उनको शनि केतु का जो ट्रांजिट है वो हेल्थ वाइज बहुत परेशान कर रहा है। हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ हिडन इश्यूज जो है वो बन के उभर के सामने आ रहे हैं। और जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जॉब में काम करते हैं वर्क प्लेस पे, उनको बॉस का, सीनियर्स का जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनको सारा काम जो है वो खुद ही करना पड़ रहा है। बॉस से थोड़ी बहुत अनबन हो रही है उनकी। बट हाँ, 18 सितंबर के बाद जो शनि जो है वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो इन सारी चीजों में बहुत हद तक जो है वो सुधार आएगा। आपको थोड़ा थोड़ा बॉस से सपोर्ट मिलने लगेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बट हाँ, कुछ थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट जो है आपको वर्क प्लेस पे जरूर नजर आएंगे। वृषभ राशि के फोर्थ हाउस में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चार प्लैनेट्स जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अभी का जो टाइम है, अगस्त से के एंड से लेके सितंबर के मिड तक आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। अगर आप घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या गाड़ी खरीदना चाहते हो, घर में कुछ भी रिनोवेशन कराना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बट हालांकि सूर्य मंगल जैसा जो ग्रह है वो फोर्थ हाउस में थोड़ी बहुत टेंशन देता है, हाइपरटेंशन देता है। और इस टाइम आपका इमोशनल, जो कह सकती हो इमोशनली आप इतने खुश नहीं हो, मेंटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सता रही है। बट हालांकि फोर्थ हाउस आपका इतना स्ट्रांग है, तो आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के लिए पूरे अच्छी तरह से सपोर्ट करें। मतलब कुछ भी कमी आए तो आप उन्हें पूरा करें, बट कुछ ना कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंसेस होंगे, कुछ भी अनबन हो सकती है घर में, तो जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। तो आपके मूड पे जो है वो अभी आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। जो मेंटल इश्यूज है वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी, आप अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान दीजिए, उन्हें पूरी केयर कीजिए। और 10 सितंबर के बाद में शुक्र और बुध जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग फील्ड से या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मतलब कोई भी क्रिएटिव, वीनस से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, कोई भी बिजनेस में या किसी भी चीज में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी के लिए टाइम अच्छा है। आपकी संतान के लिए टाइम जो है वो बहुत अच्छा है। अभी आपके जो बच्चे हैं वो बहुत क्रिएटिव नजर आएंगे। और 17 सितंबर के बाद जब सूर्य भी आपके फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे एंड 25 सितंबर के बाद जब मंगल भी चले जाएंगे, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी कुछ नया काम करने के लिए, कुछ नई हॉबी ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो, कुछ फन ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो स्पोर्ट्स का भी होता है, घूमने फिरने का भी होता है। तो आपका जो सितंबर का महीना है वो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। सितंबर की सेकेंड हाफ में जो लोग भी लव अफेयर्स में है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लव अफेयर से आप शादी तक जो अपना रिलेशनशिप ले जाना चाहते हो, तो अभी का जो टाइम है स्पेशली टिल नवंबर वो बहुत अच्छा है।
क्योंकि जो गुरु है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, गुरु आपके 7000 में बैठे हैं, तो आप जो प्रणय सूत्र में बनने वाले जो भी लोग हैं जिनकी इच्छा है वो अभी आप प्रपोजल दे सकते हो, आगे जो सारे काम है वो पॉजिटिव बनेंगे। सितंबर के महीने में अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हो अपनी सैलरी में या कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो तो आपके लिए सितंबर का महीना उस मनी वाइज, सैलरी वाइज, इंक्रीमेंट वाइज, प्रमोशन वाइज भी अच्छा है। आपके करियर वाइज भी जो अभी तक आप दिक्कतें फेस कर रहे थे वो करियर वाइज भी वो बहुत अच्छी थोड़ी थोड़ी सॉल्व होने वाली है, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में। तो गाइज ये था सितंबर का राशिफल आपकी राशि के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।